बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज है संडे, तो आज सबका मूड हो रहा है पराठा रोल खाने का, तो सोचा कि चलें जी वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं और आप सबके साथ भी इसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी। ठीक है जी, यहाँ सबसे पहले मैं गूंद लूँगी पराठे का आटा, क्योंकि सबसे पहला स्टेप यही होता है, हमने इसको गूंद के थोड़ी देर के लिए रखना होता है, इसलिए सबसे पहले हम यही कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप मैदा, प्लेन फ्लावर। ठीक है, यहाँ है मेरे पास 1 टीस्पून सॉल्ट, नमक और 1.5 टीस्पून शुगर, चीनी, और अगर 2 कप मैदा है तो 2 टेबलस्पून ही ऑयल जाएगा इसमें, और मेरे पास है नीम गर्म पानी के साथ हम इसको गूंदेंगे। चलिए जी, अब इसे गूंदना शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ सबसे पहले आपने इसमें एक स्पेस बना लेनी है। ठीक है, इसमें जाएगा ऑयल, चीनी, नमक। ठीक है, अब हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता से पूरे आटे में मिक्स कर लेना है। ताकि सब एक जान हो जाएं। और साथ ही नीम गर्म पानी आहिस्ता आहिस्ता से डालना है, सारा एक साथ नहीं डाल देना, क्योंकि आटा ना ज़्यादा सख्त गूंदना है और ना ही ज़्यादा पतला, जिस तरह हम नॉर्मल रोटी या पराठे का आटा गूंदते हैं उसी तरह से गूंदना है। ठीक है जी, लीजिए अब आपने क्या करना है, इसको लगाना है 1 या 2 ड्रॉप ऑयल, और इसको इस तरह से फैला देना है। ठीक है, और कवर करके 40 से 50 मिनट के लिए आप साइड पे कर दें या फ्रिज में रख दें, जहाँ आपको इजी लगे। ठीक है, और उसके बाद हम इसका चिकन रेडी करते हैं। अच्छा, तो अब हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर 1 kg चिकन थाई लिया है, जिसको मैंने 2 इंच के पीसेस करवा लिए हैं। ठीक है, आप चाहें तो चिकन ब्रेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चिकन थाई जो है सॉफ्ट एंड जूसी बनता है, इसलिए मैं चिकन थाई यूज़ कर रही हूँ। मैंने शोरमा में भी चिकन थाई ही यूज़ किया था। साथ ही हमें चाहिए 1 कप के जितना योगर्ट, मैंने ग्रीक योगर्ट इस्तेमाल किया है, ये थिक होता है, इसकी रिजल्ट अच्छा आता है। लेमन जूस हमें चाहिए 1/2, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, गर्म मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, ज़ीरा 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून एज पर योर चॉइस, क्योंकि जिस हिसाब से चिकन है आप इंग्रेडिएंट्स भी ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिए फूड कलर, मैंने लिया है ऑरेंज और येलो कलर, को थोड़े से पानी में मैंने मिक्स कर लिया। आप चाहें तो ओनली रेड कलर भी ले सकते हैं, मैंने 2 कलर मिक्स इसलिए किए हैं कि कलर नाइस आएगा। नमक चाहिए 1 टीस्पून, लहसुन पेस्ट चाहिए 1.5 टीस्पून और टिक्का मसाला हमें चाहिए 1.5 टेबल स्पून, थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए। तो अब हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं। अब सब कुछ इसमें हम ऐड करेंगे। सबसे पहले जाएगा इसमें योगर्ट, साथ ही जाएगा लेमन जूस, टिक्का मसाला, लहसुन पेस्ट, फूड कलर, ज़ीरा, गरम मसाला, ब्लैक पेपर और जी नमक। अब हम इन सब चीज़ों को करेंगे मिक्स अच्छी तरह से। देखिए कलर अभी से कितना प्यारा लगने लग गया है, ये आपकी चॉइस पे है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालें, क्योंकि टिक्का मसाला में भी थोड़ा सा कलर होता है, लेकिन वो इतना प्रोमिनेंट नहीं होता, तो मैंने एक्स्ट्रा कलर ऐड किया है इसी वजह से। सारे मसालों को अच्छी तरह से करें मिक्स। चलिए जी, ये हो गया मिक्स। अब हम इसको 30 मिनट के लिए मैरिनेट कर देंगे। तब तक हम इसकी शवरमा के साथ एक स्पेशल सॉस आती है वाइट कलर की, वो रेडी कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम बना लेते हैं सॉस। मैं बना रही हूँ 2 तरह की सॉस, एक जो वाइट कलर की पराठा रोल के साथ आती है वो, ये जो है ये मेरे खुद ही क्रिएट की है। ये मैंने ले लिया 1/2 कप के जितना मायोनीज़ ले लिया। ठीक है, इसमें जाएगी सिराचा सॉस, ये भी आपने ज़रूर ट्राई करनी, वाइट वाले भी मैं भी बनाती हूँ, ट्राई ज़रूर करनी आपने, दोनों का टेस्ट ट्राई करना है। ठीक है, और ये 1/2 टीस्पून मेरे पास है गार्लिक पाउडर, ये जाएगा, और 1/2 लेमन है मेरे पास। ठीक है जी,
इसको करेंगे हम मिक्स। इसको आप स्पाइसी मेयोनीज भी कह सकते हैं। बहुत अच्छी रेडी हो जाती है। सराचा सॉस आप किसी भी डिश में डालें ना, उसको स्पाइसी कर देगी, लेकिन आपने अपने टेस्ट के हिसाब से इसको ऐड करना। ठीक है जी, ये होगी जी हमारी सॉस रेडी। स्पाइसी मेयोनीज ही कह लें इसको आप, क्योंकि ये मैंने खुद ही बनाई है। अब हम दूसरी सॉस जो है वो रेडी कर लेते हैं। चलें जी, दूसरी सॉस हम बना लेते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए 1 कप के जितना योगर्ट है मेरे पास, थिक वाला है, तो आप इसे अच्छे से फेंक लें। ठीक है, अगर आपके पास थिक वाला है तो इसमें जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, थोड़ा सा ज़ीरा, नमक 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर, अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप गार्लिक फ्रेश को उसको चॉप करके या पीस के भी डाल सकते हैं, 1/2 लेमन, और जी 2 टीस्पून जो है, या 1 टेबलस्पून जैसे भी आपको ठीक लगे, मेयोनीज ये ऐड कर दें इसमें। ये स्पेशल सॉस होती है जो पराठा रोल के साथ आती है। ठीक है, इसको करें मिक्स अच्छे से। जी जनाब, यहाँ पर होगी अच्छे से मिक्स। मैंने थोड़ी सी रेड चिली ज़्यादा डाली क्योंकि मुझे स्पाइसी पसंद है। तो ये होगी रेडी, हमारी दोनों सॉस हो चुकी हैं रेडी। तो अब हम चिकन को कुक कर लेते हैं। चलिए अब चिकन को जो है, जो मैरिनेट करके रखा था, उसे कुक कर लेते हैं। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है आस्ता आँच पे। इस पर मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल, नॉट डैट मच, बस थोड़ा सा, क्योंकि चिकन हमने ड्राई ही बनाना है। चिकन जो हमने मैरिनेट किया था उसको जो रैप किया, अनकवर करें, और ये जो चिकन था सारा इसमें डाल दें। सारा इसका जो मैरिनेशन है वो भी जाएगा इसमें। अभी इसमें चिकन ने ढेर सारा पानी छोड़ देना, क्योंकि दही भी है इसमें, चिकन का अपना भी पानी होता है, और हम कोई पानी ऐड नहीं करेंगे, इसको इसी में कुक होने देंगे। ठीक है जी, इसको करेंगे ऑयल में अच्छे से मिक्स, और इसको कवर करके छोड़ देंगे, और इसको इसी के पानी में पकने देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो आटा हमने गूंदा था इसको हम अनरैप करेंगे। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि आज जो टेम्परेचर किचन में ज़्यादा है, मौसम बदल रहा है, इस वजह से हम इसके छोटे छोटे पेड़े ले लेंगे। जितने आपने बनाने हैं उतने आप ले लें। ठीक है जी, तो आपने थोड़ा सा ड्राई आटा लगा देना। ठीक है, और थोड़ा सा बेल लें इस तरह से। इतना बेलने के बाद इस पे बटर लगा लें, ऑयल लगा लें, देसी घी लगा लें, आपकी अपनी चॉइस है। और थोड़ा सा ड्राई आटा इस पर स्प्रिंकल कर दें, और दरमियान से इस तरह से काट कर, जिस तरह आपने नॉर्मली घर में आप लोग पराठे का पेड़ा बनाते हैं उस तरह से इसको बना लीजिए। ये देखिए, इस तरह से हम सारे पेड़े बना कर रखते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप पेड़ा बना के उसको 10-15 मिनट दे देंगे तो जो आपका पराठा जो है बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ मैंने 4 पेड़े रेडी कर लिए हैं, अब मैं इनको 10-15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। ठीक है, उसके बाद हम इसके पराठे बनाएंगे और असेंबल करेंगे अपने पराठा रोल। तब तक के लिए हम इनको छोड़ देते हैं और फिर हम बनाते हैं पराठा रोल थोड़ी देर तक। अच्छा जी, यहाँ देखिए चिकन बिल्कुल ड्राई हो गया, बिल्कुल पानी नहीं है इसमें। दूसरी तरफ मैंने कोयला जो है वो सेकने के लिए रख दिया है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, हम इसको इसका स्मोक देंगे। ठीक है जी, अब यहाँ कर देते हैं चूल्हा बंद, क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। एक फॉइल पेपर लेके इसको इस तरह से रखेंगे, और कोयले को एहतियात से उठाना है और यहाँ रखना है।
अब जल्दी से इस पे ऑयल का ड्रॉप देके कवर कर दें ताकि इसका जो धुआं है वो बाहर ना आ सके और इसकी स्मेल जो है सारी इसी में रहे। 5 से 10 मिनट इसको दे दें और इसको ऐसे ही इसी कंडीशन में रहने दें, तब तक हम इसके पराठे बनाते हैं। यहाँ देखिए मैंने वर्क टॉप पे ही इस पे क्लिंग फिल्म लगा दी थी ताकि कि बिल्कुल इनकी जो सरफेस है वो ड्राई ना हो जाए, इससे फिर लुक अच्छी नहीं आएगी। अब हम क्या करेंगे, पराठों को साइड पे करेंगे सारे पेड़ों को, ठीक है, और पराठे बेलना शुरू करेंगे। इसको इस ड्राई फ्लावर लगा के हल्के हाथ से बेल लीजिए। ज़्यादा ड्राई फ्लावर लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर इस तरह से वो सॉफ्ट भी नहीं बनेंगे। कोशिश करें कि ऐसे ही बेलें, ठीक है जी। इतना पर इतना जो है रोटी पराठे की हमने बेलनी है। यहाँ तवा हमारा गर्म हो गया है, इस पर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। इसको आस्ता आँच पे पकाना है, इस पर ज़्यादा ब्राउन कलर की कलर नहीं आना चाहिए रोटी पे। इसको हम इस तरह से थोड़ा सा करके